दोस्तों आज हम जानेंगे एक ऐसे पक्षी के बारे में जो अपने अनोखे चोंच से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे हॉर्नबिल्स के बारे में। हॉर्नबिल्स जो ज्यादातर अफ्रीका, एशिया और मलेशिया के यहाँ पर पाया जाता है और हॉर्नबिल्स ज्यादातर फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड और इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के यहाँ पर पाए जाते हैं। पूरे दुनिया में 55 प्रकार की हॉर्नबिल्स की प्रजाति पाई जाती है जिनमें से 9 प्रजाति सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है। हॉर्नबिल एक सर्वाहारी प्राणी है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं और हॉर्नबिल ज्यादातर फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स, लिजर्ड और स्मॉल एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। जंगलों में हॉर्नबिल का शिकार ज्यादातर स्नेक्स और ईगल्स करते हैं। हॉर्नबिल की प्रजाति में से राइनोसोरस हॉर्नबिल जिसे मलेशिया का नेशनल बर्ड माना गया है और हॉर्नबिल को एक डियर्नल एनिमल माना गया है जहां पर वे दिन में एक्टिव रहते हैं और रात को सोते हैं। और हॉर्नबिल्स ज्यादातर ग्रुप में पाए जाते हैं जिनके ग्रुप में तकरीबन 10 से लेकर 100 हॉर्नबिल्स पाए जाते हैं और उनके ग्रुप को फ्लॉक्स कहते हैं। फीमेल हॉर्नबिल जिसका प्रेगनेंसी पीरियड 4 से 8 हफ्तों का होता है और हॉर्नबिल की छोटी प्रजाति जो तकरीबन 7 अंडे देती है और इसके विपरीत बड़ी प्रजाति तकरीबन 2 अंडे देती है और ठीक 25 से 90 दिन के बाद उन अंडों में से बेबी चिक्स बाहर आते हैं जिसका वेट तकरीबन 28 से लेकर 100 ग्राम का होता है। और हॉर्नबिल की छोटी प्रजाति को सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए तकरीबन 1 साल लगता है और इसके विपरीत बड़ी प्रजाति को सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए तकरीबन 3 से 6 साल लगता है। ऐसा बताया गया है कि हॉर्नबिल अपना रिलेशनशिप ड्वार्फ मंगूस और मंकीज के साथ बनाए रखती है जहाँ पर वे अपना फूड उनके साथ शेयर करती है और इसके अलावा अदर एनिमल्स से उनके लिए फाइट भी करती है। हॉर्नबिल की साइज और वेट निर्भर करता है हॉर्नबिल की प्रजाति के ऊपर। जैसे कि दुनिया की सबसे छोटी हॉर्नबिल ब्लैक ड्वार्फ हॉर्नबिल है जिसका वेट तकरीबन 100 ग्राम का होता है और लंबाई 30 सेंटीमीटर। और दुनिया की सबसे बड़ी हॉर्नबिल साउथर्न ग्राउंड हॉर्नबिल है जिसका वेट तकरीबन 6 किलोग्राम का होता है और लंबाई तकरीबन 3 फीट से लेकर 4 फीट। हॉर्नबिल को एक सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म भी माना गया है जहां पर मेल और फीमेल के बॉडी साइज, वेट और कलर डिफर करते हैं। हॉर्नबिल की चोंच इतनी भारी होती है कि उसकी गर्दन उसकी चोंच के वेट को संभाल नहीं पाती, लेकिन हॉर्नबिल की चोंच एक मजबूत चोंच है जो उसे शिकारियों से बचने के लिए काम आती है। और वैज्ञानिकों का माना गया है कि हॉर्नबिल तकरीबन 30 साल तक जी सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।